हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि मैं 1 सितंबर से रेलवे ग्रुप डी की तैयारी चालू कर दूंगा, तो आज जैसा कि सुबह के 6 बजे हुए हैं और 1 सितंबर हो चुका है, तो आज से मैं आप लोगों की तैयारी चालू कर रहा हूँ। सुबह क्या होगा, सुबह जो 6 बजे मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो करेंट का हुआ करेगा, उससे जुड़े हुए जो टॉपिक बनेंगे वो भी मैं आपको उसमें बताता रहूँगा। देखिए, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आज पहला दिन है, आपको ये सब बातें जानना ज़रूरी भी है अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं। देखिए, सुबह जो मैं करंट अफेयर अपलोड करूंगा, आपको हर हालत में उठ के सुबह 6 बजे ही देखना है, ये समझ लीजिए। सुबह 6 बजे उठिए बिल्कुल, अगर सिलेक्शन पाना है 1 महीने की बस मेहनत करनी है आपको, ये समझ लीजिए। आप लोग जो मैं करंट बताऊँ वो लिखिए, और जो मैं साथ में और पॉइंट बताता हूँ उनको भी लिखते रहिए। वैसे तो मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी कोई चिंता नहीं करनी है, लेकिन कुछ पॉइंट मैं बताता हूँ उन्हें आपको लिखना है हर हालत में। जो मैं बताऊँ आप सुन लीजिए सही से, ये करना है। फिर जो शाम को मैं 20 क्वेश्चन रोज़ बताया करूँगा, आपके 20 क्वेश्चन हो गए, 10 दिन में 200 और 20 दिन में 400 क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड भी कई सारी बातें बताऊंगा। अगर आप उन्हें ही तैयार कर लेंगे तो ये समझ लीजिए काफ़ी कुछ आपका तैयार हो जाएगा, ये समझ लीजिए। और बीच में दोपहर में एक स्पेशल टॉपिक भी अपलोड करूंगा, आप लोग चिंता करनी नहीं है, चिंता हम करेंगे आपकी। देखिए, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जितना मैं सिलेक्टेड मटेरियल दूंगा उन्हें तो आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए, बिल्कुल घोट घोट के पी जाइए, ये समझ लीजिए। जितना मैं बताऊँ आपको वो करना ही है हर हालत में, थोड़े 1-2 महीने की मेहनत है कर लीजिए, किन्हीं किन्हीं को तो सिर्फ 1 महीने की मेहनत है, क्योंकि कुछ 1 महीने का समय मिला है, किसी को 17 दिन का। बस इतना आप अगर कर लेंगे तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, बस आपको मेरे साथ चलना है जो मैं आपको बताऊं। अब और आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी मैं कई सारे टॉपिक अपलोड करता रहता हूँ, जैसे कि साइंस की मैंने कई सारे टॉपिक अपलोड किए हैं। देखिए, अब जब जाएंगे, मैं लिंक दे दिया है, वहाँ पर जब जाएंगे तो आपको एक देखेगा लेसन, रेलवे ग्रुप डी जनरल साइंस, उस पर आप सभी वीडियो जितने भी मैंने डाले वो देख लीजिए। और क्या है, अगर आपने वो वीडियो देख लिए तो कुछ वीडियो मैंने नए फिर से अपलोड किए, उसी में और लेसन मैंने ऐड किए, उन्हें देख लीजिए। क्योंकि क्या होगा, जो मैंने नए लेसन ऐड किए हैं वो देख लेंगे तो आपका जो रेलवे में है, जो रेलवे से जुड़े हुए टॉपिक हैं उन्हीं को मैं अपडेट कर रहा हूँ और अपलोड करता जा रहा हूँ। तो आप लोग, और ये लर्निंग ऐप है जो अनअकैडमी का है, लर्निंग ऐप, इसे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर मुझे धनंजय प्रताप सिंह के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलो फिर जो करंट अफेयर है वो मैं आपको बताता हूँ, और जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप हर हालत में देख लीजिए, ये समझिए। सुबह 6 बजे मैं अपलोड करता हूँ तो आपको सुबह 6 बजे देखना ही है, ये समझ लीजिए। आप थोड़ा कभी कभार हो जाता है, चलो चल जाती है, लेकिन आप 1-2 महीने नींद त्याग दीजिए, ये समझ लीजिए बिल्कुल। अब देखिए, आता है जैसे अटल जी ने कहा, अटल जी ने कहा, ये कितनी की ये है, इतना है। अटल जी ने कहा, किताब के लेखक कौन है, कौन है किताब के लेखक, ब्रजेंद्र रही, ब्रजेंद्र रही है। अब अटल जी से जुड़े कुछ प्रश्न बनते हैं, अटल जी कितने बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो 3 बार रह चुके, कितनी बार रह चुके हैं, 3 बार। अब बात आती कब कब रहे, जब 1996 में रहे, 1996 में कितने दिन के लिए, 13 दिन के लिए रहे, कितने दिन के लिए, 13 दिन। फिर वो 1998 में, 2 साल बाद, 1998 में 13 महीने के लिए रहे, एक बार 13 दिन के लिए, फिर 13 महीने के लिए। फिर लेकिन उनकी 1999 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, पूर्ण बहुमत मतलब कि पूरी सरकार चली, 5 साल उन्होंने राज किया, और उन्होंने कई सारे काम भी किए। कौन कौन से कार्य किए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे अच्छा जो बड़ा कार्य था पोखरण परमाणु परीक्षण, जो उन्होंने 1998 में किया था, कब किया, 1998 में उन्होंने ये परीक्षण किया था, जो कि बहुत बड़ी बात थी, इसमें APJ अब्दुल कलाम का भी हाथ है। इसी से जो परमाणु ऊर्जा वगैरह मिल रही है, जो शक्ति है, भारत बना हुआ है इन्हीं कारण। और इन्होंने टेलीकॉम सुविधा भी चालू की थी इन्होंने, ने जो BSNL वगैरह देख रहे हैं आप सब, वो इन्होंने ही तब उस वक्त सब चालू किया था। और एक सबसे बड़ी योजना जो थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, कौन थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसमें क्या था, जिसमें 4 शहरों को जोड़ा गया था, दिल्ली, दिल्ली को जोड़ा गया था, कोलकाता को जोड़ा गया था, चेन्नई को जोड़ा गया था और मुंबई को। मैं आपको नक्शे के माध्यम से थोड़ा दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे कि ये है दिल्ली, दिल्ली को जोड़ा, दिल्ली को किससे जोड़ा, कोलकाता से जोड़ा, दिल्ली कोलकाता से यहाँ पे जोड़ा, फिर कोलकाता से किसको जोड़ा, चेन्नई को जोड़ा, चेन्नई यहाँ पे है, फिर किसको जोड़ा, मुंबई को जोड़ा, मुंबई यहाँ पे है। अब देखिए, ये जुड़ गए शहर, ये इसीलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है, क्योंकि इन 4 शहरों को जोड़ा गया, किसे जोड़ा गया, दिल्ली को जोड़ा गया, फिर यहाँ पे कोलकाता को जोड़ा गया, फिर चेन्नई को जोड़ा गया, चेन्नई यहाँ किनारे है बिल्कुल, यहाँ पे चेन्नई को जोड़ा गया, फिर यहाँ पे मुंबई को जोड़ा गया। तो ये देखिए चतुर्भुज सा बन गया यहाँ पे, इसीलिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा गया। ये कितनी लंबाई है इसकी, इसकी 5846 किलोमीटर लंबाई थी, कितनी थी, 5846 किलोमीटर, जो ये रास्ता बनी थी यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे और ऐसे करके जो ये बना है, इसकी अगर लंबाई नापी जाएगी तो 5846 किलोमीटर, जो कि उस समय की विश्व की सबसे बड़ी परियोजना थी, सड़क परियोजना, सबसे बड़ी सड़क थी ये।
ये बहुत अच्छी परियोजना थी जिसका आप लोग देख रहे होंगे बाईपास कितनी सुविधाएं बढ़ चुकी हैं। अब यहाँ पे ये आप लोग समझ चुके होंगे जो मैंने आपको बताया था। अब हाँ, वहाँ पे जो चेन्नई शहर आया था, चेन्नई शहर से भी रिलेटेड मैं कुछ बात बता देता हूँ। चेन्नई का जो पुराना नाम है पूछ दिया जा सकता है, चेन्नई का पुराना नाम क्या है? मद्रास था। क्या था? मद्रास। और कब बदला गया था? ये 1996 में बदला गया था। और चेन्नई को दक्षिण एशिया का डेट्रॉयट भी कहते हैं। क्या? डेट्रॉयट। दक्षिण एशिया है जो, उसका डेट्रॉयट भी कहते हैं इसको। चलो, वो तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन कुछ थे तो मैंने आपको बता दिए। अब आता है कि जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति कौन है? जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? एमरसन नंगांगवा। कौन? एमरसन नंगांगवा। अब देखिए, यहाँ पे आ सकता है, जो आ सकते क्वेश्चन वही सिर्फ बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे ग्रुप डी के अकॉर्डिंग। देखिए, जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति कौन है? ये हो गए एमरसन नंगांगवा। अब यहाँ पे ये आ सकता है कि जिम्बाब्वे की राजधानी कौन सी? तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। क्या है? हरारे है। ये आप याद कर लीजिए। अब ये हरारे हो गया। अब ये आ सकती है कि यहाँ की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा क्या है? यहाँ पे डॉलर चलती, जिम्बाब्वे डॉलर चलती है। और एक चीज़ और है, अगर आपके पास $1 या 60-70 रुपए हैं तो आप जिम्बाब्वे में अरबपति हैं। हाँ, यहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा चुकी है कि यहाँ के $1, जो अमेरिका डॉलर होता है, $1 के बराबर यहाँ के 1,000 डॉलर, 1,000 अरब डॉलर के बराबर है। 1,000 अरब डॉलर के बराबर। जैसे आप देखते होंगे भारत का 70 रुपए जो है इस वक्त, 70 रुपए हो गया है। 70 रुपए $1 के बराबर है। $1 के बराबर है जो भारत का रुपया है। लेकिन जो वहाँ का है, जिम्बाब्वे का है, वो 1,000 अरब डॉलर जो उनका है, वो अमेरिका के $1 के बराबर है। समझ सकते हैं आप लोग कितनी खराब दशा है इस वक्त, कितनी खराब दशा बनी हुई है। तो ये तो यहाँ के क्वेश्चन। हाँ, अब जैसे डॉलर से एक जुड़ा हुआ संबंध आया, क्वेश्चन आया, जिम्बाब्वे के वो कौन है, गवर्नर कौन है? जो जैसे RBI यहाँ पे गवर्नर है, इस टाइप से कौन गवर्नर है? तो वहाँ पे गिडे आन है। कौन है? गिडे आन। इस टाइप से मैं आपको इसलिए बता देता हूँ, क्या होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे इससे जुड़ा हुआ होगा तो आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा एग्जाम में, तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन आया था। देखिए, मैं 10 क्वेश्चन देता हूँ लेकिन उससे कई सारे मैं आपको क्वेश्चन तैयार करवा दूंगा। अब आया कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो कौन सा स्थान है? फोर्थ रैंक है। कौन सा है? फोर्थ रैंक है। और जो मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, आप लोग इसको शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। जब ज़्यादा देखेंगे तो मैं और कोशिश और मेहनत करूँगा। मुझे लगेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छी लग रही है, मेरा मतलब आप लोग पसंद कर रहे हैं, आप लोगों को फ़ायदा होगा, कई सारे लोगों को फ़ायदा होगा, तो मैं और मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए। मैं बस प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मैं मटेरियल कर रहा हूँ प्रोवाइड, आप देखते जाइए। और बीच में मैं एक प्रश्न अंत में करा करूँगा, उसका जो जवाब दिया करेगा, जो उसका जवाब देगा उसको क्या करेंगे, उसका मैं हम मतलब जो होता है कि जो कमेंट होगी उन लोगों की हम दिखाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से लेके कमेंट बॉक्स से लेके उनकी कमेंट यहाँ पे दिखाया करेंगे कि लोगों ने आंसर सही दिया। वैसे मैं पहले भी करता था, अब फिर से चालू कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आया कि ये देखिए, अब 2018 वैश्विक सूची सूचकांक में 163 देश थे, उसमें से 137वां देश भारत को मिला। वैश्विक सूची सूचकांक में भारत को 137वां स्थान मिला। अब आया कि RBI का उपराज्यपाल, RBI के जो अभी उपराज्यपाल जो बने हैं वो कौन है? तो ये कौन है? MK जैन। कौन है? MK जैन। अब आती है RBI से जुड़ी हुई बात की, इसके जो गवर्नर है वो कौन है? तो आप सभी लोग जानते होंगे उर्जित पटेल है। कौन है? उर्जित पटेल, जिन्होंने रघुराम राजन की जगह ली है। और RBI से जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि RBI की स्थापना कब हुई? तो ये 1937 में हुई थी। कब हुई थी? 1937 में मुंबई में हुई थी। कहाँ पे? मुंबई में। लेकिन इसे राष्ट्रीयकृत कब किया गया? इसे राष्ट्रीय वाला सरकार के हाथों में कब लिया गया? ये भारतीय सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके हाथ में कब? पहले ही प्राइवेट के रूप में थी, जो RBI थी प्राइवेट थी 1937 के समय। इसे ले लिया गया था 1949 को, सरकारों के हाथ में पहुंच गई, ये वाला, ये सरकारी बन गई एक तरह की, आप ये समझ सकते हो, 1949 को ये हो गई। अब यहाँ पे आया कि जो जॉर्डन है, जॉर्डन के प्रधानमंत्री के रूप में जो अभी हाल में बने हैं कौन है? तो वो है उमर रज्जाज। कौन है? उमर रज्जाज। अब जॉर्डन से एक क्वेश्चन सिर्फ बन सकता है कि जॉर्डन की राजधानी क्या है? तो जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है। क्या है? अम्मान। आ और आधा माँ होता है, फिर पूरा माँ, फिर ना, अम्मान है जॉर्डन की राजधानी, अम्मान। यह बिल्कुल ध्यान रखते जाइए और लिखते जाइए। यहाँ पे आएगी जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो कौन है? तो पंकज सरन है। कौन है? पंकज सरन। यहाँ पे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अब लेकिन यहाँ पे अगर ये आ जाए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो आप लोग ज्यादातर लोग जानते होंगे अजीत डोवाल है। कौन है? अजीत डोवाल। आया कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे बनेगा? वो मणिपुर में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में बन रहा है।
आएगी ब्रिटेन, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में भारत का अगला उच्च आयुक्त कौन बनेगा? तो रुचि घनश्याम बनेंगे। कौन बनेंगे? रुचि घनश्याम। विश्व बैंक जो है, विश्व बैंक राजस्थान को बिजली वितरण हेतु कितनी धन राशि दे रहा है, मतलब वहाँ पे जो सुविधा होगी उसकी और सुविधाएं बढ़ाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, तो कितने रुपए दे रहा है यहाँ पे? $25, 25 करोड़ डॉलर दे रहा है। कितने? 25 करोड़ डॉलर दे रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आया कि एशियाई खेलों में पुरुषों की 800 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये मनजीत सिंह ने जीता। किसने? मनजीत सिंह ने। और जो जॉनसन जॉनसन है, इनने जॉनसन के क्या जीता यहाँ पे? इन्होंने रजत पदक जीता। जॉनसन ने, जो जॉनसन है, ये रजत पदक जीता। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जो आप लोगों को पता होगा, एक होती 400 × 400 रेस। क्या होती? 400 × 400 रेस। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि चार लोग होते हैं, चार लोग होते हैं, एक गोला होता है ऐसा, इस तरीके का गोला होता है, यहाँ से हम लोग दौड़ते हैं, जैसे जो लोग होते हैं दौड़ते हैं इस टाइप से। अब यहाँ से कोई दौड़ा, इसका कहीं भी 400 मीटर जहाँ पे भी होना होगा, तो जैसे कोई, जैसे हेमा दास पहले दौड़ी। कौन दौड़ा? हेमा दास। यहाँ से हेमा दास ने दौड़ना चालू कर दिया, यहाँ से हेमा दास ने चालू कर दिया दौड़ना। अब क्या हुआ, हेमा दास जब यहाँ पे आएंगी तो यहाँ पे कोई एक भारतीय और खिलाड़ी होगा। जैसे मान लिया यहाँ पे सरिताबेन खड़ी थी, या सरिताबेन गायकवाड़ हैं जो, वो खड़ी थी, तो सरिताबेन गायकवाड़ को वो जो रॉड सी लिए रहती हैं वो इन्हें दे दिया। अब सरिताबेन यहाँ पे दौड़ने लगी, जो इनका 400 मीटर का कोटा पूरा होगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर कोई भारतीय खिलाड़ी खड़ा होगा। जैसे कि मान लिया बिस्यामा खड़ी यहाँ पे थी, बिस्यामा खड़ी थी, फिर तो बिस्यामा दौड़ेंगी तो 3 बार। अब जब यहाँ पे बिस्यामा आ जाएंगी तो यहाँ पे फिर क्या होगा, फिर से कोई चक्कर यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे फिर कोई भारतीय खिलाड़ी खड़ा होगा। तो यहाँ पे मान लिया पूबम्मा राजू खड़ी थी यहाँ पे, तो पूबम्मा राजू ऐसे ये दौड़ेंगे, फिर अंत में जो सबसे आगे रहेगा उसी की रेस मान ली जाती है, मतलब जो वही जीत हो जाती है। क्या होता है, तो वैसे यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले कौन दौड़ा था? सबसे पहले हेमा दास दौड़ी थी, हेमा दास दौड़ी, फिर यहाँ पे ऐसे सब होता गया, और इस तरीके से कौन जो जीत गए, हम लोग सब भारतीय खिलाड़ी जीत गए। देखिए, सबको स्वर्ण पदक मिला है, सबको। 400 मीटर में ये होता है, ये नहीं होता कि सिर्फ एक को मिले, फिर सबको मिलता है, चारों लोग भागीदारी होती है, चारों लोग मेहनत होती है, तो सबको स्वर्ण पदक मिलता है। आप लोग पढ़ सकते कि भारत में 18वें एशियन गेम में 12वें दिन यानी गुरुवार को महिलाओं की रिले रेस में भी गोल्ड मेडल जीता। भारतीय महिलाओं ने 400 × 400 कि रिले में मेडल अपना अपने नाम किया, मतलब स्वर्ण पदक जीत लिया। आपको मैंने समझा दिया, वैसे आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके की ये रेस होती है। तो अब देखिए क्या है, जो मैं अब सुबह, ये तो करंट हो गया आज आपका, अब आप लोग करंट इसे पढ़ लीजिए, ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, PDF आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिया है। अब आपको क्या करना है, शाम को एक वीडियो और आएगा GK का, उसे भी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लीजिए, उससे जुड़े जो क्वेश्चन होंगे वो भी मैं बताऊंगा, और 20 क्वेश्चन जो आपको बताऊंगा उन्हें तो आप रटी लीजिए, घोल के पी लीजिए, जो इम्पोर्टेंट हैं, और जो मैं आपको बताऊंगा समझ लीजिए वही आएगा, सब वीडियो में वही सब आना है, ये समझ लीजिए। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें तैयार करनी है, बस जो मैं आपको बताता हूँ जाऊँगा आप तैयार करते जाइए। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आज करंट अफेयर का वीडियो बनाया है आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, सब कुछ बढ़िया लगा है, तो इसे लाइक करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने सभी दोस्तों तक, ग्रुप में, सभी जगह, फेसबुक, हर जगह इसको शेयर ज़रूर करिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया ही होगा। जय हिंद, जय भारत।